प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बताएंगे आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये पेपर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का और सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें लगभग आपके चार क्वेश्चन पूछे गए, तो चार क्वेश्चन के आंसर सहित आपको समझाएंगे, और यहाँ से लगभग आपके एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है, और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 10-12 क्वेश्चन जो मैं आपको कल नाइट में क्लियर करा दूंगा। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें स्टार्ट, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से मैं जो क्वेश्चन आएंगे वो करूंगा। तो आप लगातार अभ्यास करते रहिए, पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। अब तक ये एग्जाम में पूछे गए पेपर है सभी, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते। साथ दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करते हो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ इन पेपरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर ऑल इंडिया के काफ़ी हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, जहाँ पर उनको काफ़ी रॉ मटेरियल और भी उपलब्ध है। तो आप आगे भी सी बी टी एग्जाम की तैयारी करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करा, तब बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन दोस्तों आपका पहला आ रहा है ड्राइंग द आईएसआई सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको एनी थ्री, यानी इनमें से आपको तीन करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सामान्य प्रतिचिन्ह से होता है कि एक इस प्रकार की हम यू आकृति बनाएंगे, ठीक है, फिर एक आकृति याद देंगे। तो ये हो गया आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, मूविंग आयरन के लिए एक सीधी छड़ खड़ी करना पहले, तो फिर इस प्रकार इसमें ये कर देना, इसके दो सिरे की बनाना। ये हो गया दोस्तों आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। लगभग दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा फायर अलार्म इंडिकेटर। तो दोस्तों, फायर अलार्म इंडिकेटर के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपका इस प्रकार आएगा, फिर इसमें यह आएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप फायर अलार्म के लिए आप इस प्रकार ये इस प्रकार करके ये आप लगा दोगे, ठीक है। आगे सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का ध्यान रखना, सर्किट ब्रेकर के लिए आपके दो होते हैं। एक तो सर्किट ब्रेकर के लिए आपका इस प्रकार आता है, जिसके ऊपर ये इस प्रकार ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह एक और आता है, तो वो भी इसी प्रकार का, ठीक है। तो आपके लगभग चारों सर्किट ब्रेकर हो गए। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपको इसमें क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है नियोन साइन ट्यूब, एक पूछ रहा है आपको सोडी वेपर लैंप। इन दोनों के मैं आपको दो दो तीन तीन डायग्राम बनाऊंगा, अच्छा लगे उस डायग्राम को आप अभ्यास करना और क्लियर करके आना। तो दोस्तों, आपका एक तो देखो, जहाँ तक हो सके आप एग्जाम में ये डायग्राम बना के आना, यानी पहले नियोन लिख देना, फिर ये नियोन लिख के, फिर यहाँ पर एक मेन ट्रांसफार्म छोटा ट्रांसफार्म लगे, और यहाँ पर एसी सप्लाई देकर इस प्रकार का मेन स्विच लगा के आपको इस प्रकार करके आना है। यानी लगभग आप एक या दो बार अभ्यास करोगे तो ये डायग्राम आसान से बन जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर इसमें एक कैपेसिटर लगा रखा है, एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है, एक मेन स्विच है, ठीक। और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, और ये नियोन लिख के आपका नियोन ट्यूब ये हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों ये और है, ये इनके ओरिजिनल डायग्राम है, जो इनसे आप मेरे हिसाब से इतना कुछ नहीं है, लेकिन आप उसका ध्यान रखना। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका सोडियम वेपर लैंप। अब दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप का मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप का आप डायग्राम बनाओ, तो सोडियम वेपर लैंप के लिए आप इजी वे बनाना चाहो तो आप इसके लिए ये डायग्राम बना के आ जाना, सोडियम वेपर लैंप के लिए। तो सोडियम वेपर लैंप के लिए आप एसी वोल्टेज सप्लाई देना, यहाँ पर बैटरी लगा देना, और यहाँ पर इस प्रकार कनेक्शन करके इसमें ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भर के दो इलेक्ट्रोड इधर आ गया, फिर ये, तो ये भी आप अच्छे से बना सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर ये आप ये बनाना चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो। तो मैं ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल कर दूँ, वहाँ पर देख के आप अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ड्राई द लेआउट डीसी जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल, यानी डीसी मोटर जनरेटर कंट्रोल पैनल बोर्ड का डायग्राम बताया गया। तो दोस्तों, यह है आपका ये डायग्राम, तो आप इसका भी डीसी लेआउट कंट्रोल पैनल डायग्राम मशीन, यानी अल्टरनेटर और मोटर का कंट्रोल पैनल डायग्राम है, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, फिर मेन स्विच लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर फ्यूज आ गया, ये स्टार्टर आ गया, और ये इम्पीडेंस Z1 Z2 आ गया, और ये प्रतिरोध होगा, फिर यहाँ पर मोटर आ गया, मोटर को सेट कर दिया जनरेटर से, फिर यहाँ पर वोल्टेज की गणना करने के वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा दिया, एमीटर धारा की गणना करने के एमीटर लगा दिया, धारा के आ गया लोड। तो इस प्रकार आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो भी एक बार जरूर क्लियर करना।
क्वेश्चन है ड्राइंग द फ्री एंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑकर्जिली पार्ट एंड स्केलेटन व्यू, यानी इसमें आपके ऑकर्जिली पार्ट बनाने, यानी आपने देखा होगी कोर के आधार पर सेल तीन प्रकार, कोर बेरी ये से होते हैं, सेल कोरी बेरी ये तीन प्रकार के सेल होते हैं, तो इनके क्रोड आप बना के आ जाना, इस प्रकार ये बन जाएगा कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो आप इसका भी एक दो बार अभ्यास करोगे क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएं तथा आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।